रायगढ़ में 1 अक्टूबर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत नवरात्र के पावन अवसर पर महिला बाल विकास विभाग व चक्रधर बाल सदन के संयुक्त तत्वाधान में कन्या जन्मोत्सव का कार्यक्रम चक्रधर बालिका गृह के सभा कक्ष में मनाया गया। इस कार्यक्रम में 28 नवजात बालिकाएं जिनकी उम्र 1 माह से 3 माह तक है उनका सामूहिक जन्मोत्सव मनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत एवं नवरात्रि के पावन अवसर पर महिला विकास विभाग और चक्रधर बाल सदन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में कन्या जन्मोत्सव का कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2019 को चक्रधर बालिका गृह के सभा कक्ष में मनाया गया। इस कार्यक्रम में 28 नवजात बालिकाएं जिनकी उम्र 1 से 3 माह तक है उनका सामूहिक जन्मोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया और लिंगानुपात के अंतर को कम करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने उपस्थित सभी माताओं को बधाई दी और कहा कि आपके घर बेटियों ने नहीं देवियों ने जन्म लिया है। बेटियां किसी भी प्रकार से बेटों से कम नहीं होती बल्कि कई मामलों में उनका मनोबल बेटों से भी कहीं ज्यादा होता है। आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में बालिकाएं बालकों से कंधे मिलाकर चल रही है तो उसका एक प्रमुख कारण आप जैसी जागरूक माताएं हैं। कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध तो है ही जिसमें समाज में अस्थिरता भी लाती है। इस योजना का उद्देश्य इन्हीं विषयों पर लोगों को जागरूक करना है। जिस दिन समाज के चहुओं सही मायनों में बेटियों को यथोचित मान सम्मान और स्थान मिलेगा उस दिन इस योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी और इसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। उन्होंने कहा हालांकि जिले ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत देश के शीर्ष 10 जिलों में स्थान बनाने की उपलब्धि हासिल की है लेकिन अभी भी बेटियों के लिए काफी कुछ किया जाना शेष है जिसके लिए समाज के सभी वर्गों को शासन प्रशासन के साथ मिलकर समन्वित प्रयास करना होगा। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग के समस्त टीम और चक्रधर बाल ट्रस्ट के कर्मचारियों और स्टाफ को बधाई और शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने तिलक लगाकर नवजात बालिकाओं का अभिनंदन किया तथा उपहार स्वरूप बेटी किट पैक और कपड़े दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीओ सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि नवरात्र के अवसर पर मनाए जा रहे कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताओं के गोद में एक देवी विराजमान है। सही मायने में यह देवियों का जन्मोत्सव है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अन्य लोगों को जागरूक कर लिंगानुपात की दर पर कम कर सामाजिक स्थिरता का माहौल लाया जा सकता है। इस मौके पर कलेक्टर तथा जिला पंचायत सीओ ने चक्रधर बालिका गृह का निरीक्षण किया तथा व्यवस्था सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही क्रीड़ा मैदान में ओपन एयर जिम तथा झूले लगाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर महिला बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी टी के जाटवर CDPO सुरेखा पारेख बिनापुर सेठ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की महिला बाल विकास पर्यवेक्षक चक्रधर बाल सदन ट्रस्ट मैनेजर रूपाली रवानी बालिका गृह अधीक्षिका सोनाली आसुटकर तथा ट्रस्ट के सदस्य एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जो कार्यक्रम हुआ है उसमें आए हैं हम लोग कलेक्टर साहब के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मेरी बेटियों को सम्मान हुआ है झूला उला दिए हैं उसके लिए मैं धन्यवाद बोलती हूँ कलेक्टर साहब को और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मुझे सूचित किए हैं इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना के अंतर्गत आज हमने यहाँ पर कन्या जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया था जिसमें ऐसे कन्याएँ जो अभी 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के आयु के हैं उनका हम लोग यहाँ पर किए हैं और इस कार्यक्रम में कलेक्टर महोदय और CEO मैडम की उपस्थिति रही और लगभग 28 बच्चियों का हमने यहाँ पर जन्मोत्सव कार्यक्रम किया है। 2 बार जिला सम्मानित हो चुका है राष्ट्रीय स्तर पे, क्या लगता है तीसरी बार पुनः अगले साल भी सम्मानित होगा? 3 बार सम्मानित हो चुका है और अभी जो हमको स्पेशल पुरस्कार मिला है जिले को जिसमें इंडिया के टॉप 10 जिले में हमारा ये जिला शामिल रहा है और इसमें इसलिए पुरस्कार दिया है कि हम लिंगानुपात में हम लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आज के दिन शुभ अवसर पर रायगढ़ जिले के 28 बेटियों के जन्मदिवस को मनाया गया है। ये एक जागरूकता लाने का प्रयास है जिसके अंतर्गत हम जागरूक कर रहे हैं कि बेटियां कहीं से भी बेटों से कम नहीं हैं बल्कि अधिक है और हम बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित कर रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं और लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस शुभ अवसर पर हम बेटियों के जन्मदिवस को मना रहे हैं उनको धन्यवाद दे रहे हैं। थैंक यू। 2 बार नेशनल लेवल पर सम्मानित हो चुका है रायगढ़।
रायगढ़ जिला हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत टॉप 10 जिलों में आ गया है, जिसमें 918 से 964 तक हमारा सेक्स रेशियो बढ़ चुका है और इस सेक्स रेशियो में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण टॉप 10 जिलों में आने के कारण रायगढ़ जिले को नेशनल लेवल पर अवार्ड मिला इस साल भी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और अच्छे से अच्छा कर सकें ताकि अगले साल भी अवार्ड मिल सके। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।